हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं DSC का ये बैट है और ये क्रंच 9.0 है, जो डेविड वॉर्नर जो सीरीज आ रही है उसका है। ये जो बैट है ये इंग्लिश विलो बैट है और बहुत ही शानदार बैट है। आज इसके हम आपको अच्छा सा दिखाएंगे, देखेंगे अभी खोल करके और कैसे क्या होगा, इसका पंच वगैरह, इसका वेट वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, सब सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले देखिए इसको खोलते हैं अभी, ये करते हैं अभी अपन। ये क्रंच 9.0 DSC का बैट है, जो कि इंटरमीडिएट और जो इमीडिएट लेवल पे खेलना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बैट माना जाता है। जैसा कि अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, इसके अंदर आपको 6 ग्रेन दिखेंगे। ये 6 ग्रेन का बैट है जिसके अंदर आपको DSC का यहाँ पे आपको लोगो है। ये क्रंच 9.0 की सीरीज़ है, जो कि आपको अगर आप लेने जाएंगे आज तो 7.5 से 8 हज़ार रुपये की मार्केट प्राइस पे आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा। और जो इससे रेगुलर खेलते हैं या जिनको ऑलरेडी प्रैक्टिस है खेलने की, अगर इस बल्ले से खेलते हैं वो बल्लेबाज जो ऑलरेडी पहले कभी लेदर से इस गेम को खेल चुका है, उसके लिए बहुत ही अच्छा बैट है ये। और जो अपन रेंज की बात करते हैं, 7.5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार तक की रेंज का ये बहुत ही अच्छा बैट है। इसमें आप रेंज हिटिंग कर सकते हैं, इसमें आप कवर ड्राइव पंच कर सकते हैं, जो भी आप क्रिकेटिंग शॉट्स हैं इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं बल्ले का। बस आप एक बात ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे बल्ला आप 50 हज़ार का ले लो, चाहे आप बल्ला 10 हज़ार का ले लो, बल्ले को आपको प्रॉपर नॉकिंग करनी पड़ेगी। ये नॉकिंग करने के बाद जितना आप ज़्यादा आप उसको नॉकिंग करोगे उतना आपको ये बल्ला खिल के मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको इसमें शॉट पावरफुल देखने को मिलेगा। बस मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बल्लेबाज अगर सीरियस लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहता है, जहाँ पे वो उसको लगता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ क्रिकेट में कुछ मेरा करियर मुझे बनाना है और वो एक अच्छा बल्लेबाज है, तो वो चाहे तो उस बल्ले को ट्राई करें। एक बार वापस आपको नज़दीक से हम ग्रेन्स जो है वो काउंट करके भी भैया बताएंगे आपको भी। आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ग्रेन्स है जो आपको यहाँ पे पीछे की साइड में भी दिखाई देंगे। ये सारे ये जो ग्रेन्स आप देख रहे हैं, ये ग्रेन्स से आपको एक बल्ले का पता ये चलता है कि भाई बल्ला किस तरीके से आप इसको और इसको खेल के इस पर नॉकिंग करके आप इसको खोल सकते हो। जितना आप इस पर नॉकिंग करेंगे उतना ज़्यादा बल्ला आपके लिए और अच्छा रिजल्ट देगा आपको। लेकिन किसी भी नए बल्ले से आप सीधा जाके खेलने लगेंगे तो इसके ये एजेस निकलना या फिर बीच में से बल्ले का फट जाना, जो कि काफ़ी शिकायतें मिलती है लोगों की कि भाई हमारा बल्ला बीच में से फट गया या एजेस लग गए, वो इसी वजह से होता है कि हम इसकी प्रॉपर नॉकिंग नहीं कर पाते हैं। चाहे वो हैंगिंग बॉल से करें, चाहे हैमर से करें, लेकिन इसकी प्रॉपर नॉकिंग ज़रूर करें। तो देखिए भैया ने बताया कि नॉकिंग ज़रूरी है, मतलब नॉकिंग तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे कोई बैट लेके आओ आप। तो और देखिए इसके जो स्टिकर हैं, ये 3D स्टिकर हैं, बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव आपको स्टिकर दिख रहे होंगे। और ये साइज़ की बात करूँ तो देखो भैया साइज़ कौन सी है, ये साइज़ हैरो साइज़ है जिसको अपन कहते हैं, जिसमें आप 14 या 15 साल से अबव जो भी बंदे हैं इस बल्ले से आप खेल सकते हो। इसका जो वेट है वो 1150 ग्राम है। आप चाहें तो इसको स्पेसिफाई अपने हिसाब से भी वेट करवा सकते हैं, 1180, 1165, वो बल्लेबाज के खेलने के ऊपर और उसको कितना वेट चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसको बल्ले में कितना वेट चाहिए। तो जैसे कि ये बल्ला हम लाए थे तो हम पहले से स्पेसिफाई करके गए थे कि भाई 1150 ग्राम से ऊपर ये बल्ला नहीं होना चाहिए। सो ये 1150 ग्राम का बल्ला है सर। तो बिल्कुल देखिए भैया ने बता दिया 1150 ग्राम का ये बल्ला है। और अगर बात इसकी साइज में, तो साइज में और भी साइज है आपको, जैसे फुल साइज भी मिल जाएगी, मैन साइज जो होती है वो भी मिल जाएगी, और भी छोटी साइज हैं वो भी इसके बैट के अंदर मिल जाएंगी आपको। और इसके अलावा इसकी जो भैया ने बता दिया 14 से 15 साल का लड़का, यानी लगभग हाइट कितनी होगी उसकी, 5.5 से ऊपर अगर जो भी बल्लेबाज है और जो ऑलरेडी क्रिकेट खेलते हैं और जिनको नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, जिनको पता है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा बल्ला है। पर ये चीज़ मैं आपको वापस बता दूं कि चाहे बल्ला 1 लाख का भी ले आओगे, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर नॉकिंग नहीं करोगे, उसको अगर आप सीधे बल्ले से नहीं खेलोगे तो बल्ले आपके कभी नहीं चलेंगे, चाहे वो बल्ला आप कौन सा भी लेके आ जाओगे। बहुत बढ़िया भैया ने देखो बहुत ही अच्छी बात बताई है। और अब जो है इसका पिंग करके भी आपको दिखाएंगे, भैया बोल देना एक बार। तो दिखाता हूँ कि बल्ले का साउंड कितना इफेक्ट करता है, कि अगर आप देखोगे कि आपको बल्ले को कैसे टेस्ट करना है तो आप उसके साउंड से इसको टेस्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, कह रहा था कि भाई बल्ले के अगर आप देखोगे जिसको नॉक करने के हिसाब से, ये होता है बैट का मिडल। अगर मैं आपको इसका साउंड बताना चाहूँ कि भाई साउंड किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, तो आप इस तरह से साउंड चेक कर सकते हो। कोई भी बल्ला लेने जा रहे हो यहाँ से आप साउंड चेक कर सकते हो। बॉटम पे डालोगे तो इसका साउंड और यहाँ के साउंड में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क समझ में आएगा। और ये साउंड भी तब आप अच्छे से कर सकते हो जब आप उसकी रेगुलर नॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं इससे एक बार, अगर आप मैं दिखाऊं कि मिडिल पे कैसे बॉल आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यही अगर मैं बॉटम पे डाल के देखूँ, देखिए बिल्कुल आवाज में बिल्कुल फर्क है, ठीक है। अब इससे अगर अपन रेंज हिटिंग की बात करें, मैं अगर आप जैसे सामने नेट लगी हुई है जिस बता रहा हूँ आपको, आप जिस तरह से रेंज हिटिंग,
मेरे राय में तो आप हैमर से ज़्यादा जितना आप इससे बॉल से नॉकिंग करोगे, जितना इसको कैचिंग करवाओगे, उतना ज़्यादा यह बल्ला और खुलता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैच में बॉल से खेलना पड़ेगा, हैमर वहाँ पे यूज़ आएगा नहीं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इससे कैचिंग प्रैक्टिस करवाइए, उतना ज़्यादा आपको ये बेनिफिट करेगा। कवर जो है इसका, कवर भी बहुत ही शानदार कवर इसका आता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये चैन है और लेंगे, और ये देखिए ये अच्छा है, टू लेयर के अंदर आता है, अंदर से मोटा है तो बढ़िया तरीके से पैक हो जाता है। नीचे जो है, नीचे भी बहुत ही शानदार जो इसका कवर है। बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैमर जो है उससे अगर नॉकिंग करोगे तो वो और ही बढ़िया रहेगा, और इसके अलावा जो कैच प्रैक्टिस है उससे अगर करोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बैट आपको, बैट हम मैंने आपको जो मॉडल नंबर आपको बताई दिया है, क्रंच 90 जो है, क्रंच 9.0 है, और बहुत ही शानदार DSC का बैट है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।